नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। आज हम देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगी 2020-21 एकेडमिक ईयर के लिए, उसकी जानकारी हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कितनी यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन से कोर्सेस वह अवेलेबल है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी और सीटी का क्या होगा पैटर्न, क्या होगी मार्किंग सिस्टम्स और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कब तक हमें एप्लीकेशन भरने हैं और कब होगी ये सीटी, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो पहले, जैसे कि आपको पता होगा कि देश भर की 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है और उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो अलग अलग कोर्सेस रन होते हैं उनके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर ये सीटी देनी पड़ती है। हालांकि एडमिशन प्रोसीजर अलग अलग होता है, हर यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, लेकिन आपको ये सीटी पास होना जरूरी होता है अगर आप इन यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज, हालांकि यूजी कोर्सेज ज़्यादा नहीं है, आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज ही ज़्यादा मिल जाएंगे। पीजी कोर्सेज बहुत ही अच्छे कोर्सेज और बहुत ज़्यादा पीजी और पीएचडी कोर्सेज आपको इस सीटी के थ्रू मिल जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि उनका शेड्यूल और एक्टिविटी का जो एक्टिविटी शेड्यूल होगा वो कब होगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं 16 मार्च यानी कल से शुरू होंगे, तो आप वो कर सकते हो 11 अप्रैल तक, और आपको एडमिट कार्ड इशू होंगे 18 मई को। उसी प्रकार आपका जो एग्जामिनेशन है वो अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज और पीजी के लिए होगा 13 मई से 31 मई तक, और वो होगा ऑफलाइन, ओएमआर बेस्ड होगा। आपको आंसर शीट पे बबल करके आपको आंसर्स देने होंगे, और जो सीटी होगा रिसर्च प्रोग्राम के लिए वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर ऑनलाइन वो एग्जाम आपकी होगी और वो होगी 6 और 7 जून को। उस पर आपके आंसर कीज अपलोड किए जाएंगे, यूजी और पीजी कोर्सेज के होंगे 1 जून को, तो रिसर्च प्रोग्राम के होंगे 8 जून को। उसी प्रकार अगर आपको कोई ग्रीवेंस देना है तो आप ग्रीवेंस दे सकते हैं 2 से लेकर 4 जून तक यूजी वाले, और यूजी एंड पीजी वाले तो रिसर्च वाले 9 से लेकर 11 जून तक उसे दे सकते हैं। और जब उसके आपके ग्रीवेंसेस जाएंगे तो उस पर वो प्रोसेस करेंगे, और कोई करेक्शन है तो फिर फाइनल आपको आंसर की मिल जाएगी 8 जून को यूजी और पीजी, और जो रिसर्च प्रोग्राम होगी उनकी 15 जून को आ जाएगा, और आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 26 जून को। तो आप ये डेट नोट कीजिएगा, अगर कुछ आगे पीछे होता है, डेट में कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर आपको टाइम टू टाइम उनके वेबसाइट पर ये देखने को मिलेगा। एग्जाम का फुल टाइम टेबल अगर हम देखने जाए तो जैसे कि यूजी के 2 पार्ट होने, जब हम सब्जेक्ट देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो उन्होंने 2 सेक्शन के एक कुछ सब्जेक्ट को, कुछ कोर्सेज को उन्होंने फर्स्ट पेपर में और दूसरा का जो है सेकंड में डाल दिया, आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो आपका एग्जाम का टाइम टेबल वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाकर दे सकते कि मॉर्निंग 3 जो सेशन में होगा, मॉर्निंग, नून और इवनिंग में, तो आपका आपके हॉल टिकट के अनुसार, क्यों आपके एग्जाम के अनुसार आपका होगा। यूजी का तो मॉर्निंग और इवनिंग में ही होगा, लेकिन जो बाकी के कोर्सेज पीजी के जो होंगे तो वो होंगे मल्टीपल सेशन में। आप अपना देखिएगा आपका कोर्स का नंबर कितना है, उसके हिसाब से आपको आपका पेपर उस समय आपको देना है। 30 और 31 मई को एग्जाम ये रन होगा। उसी प्रकार पीजी उसी प्रकार हम देखेंगे रिसर्च के जो प्रोग्राम्स होंगे तो उनके भी मॉर्निंग और इवनिंग में हो जाएगा, 2 दिन उनका भी एग्जामिनेशन है 6 और 7 जून का। तो आप आपके जो कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपका पेपर कब होगा। तो पेपर के बारे में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ये है कि जनरली आपको उनके वेबसाइट पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है, और जो स्टूडेंट्स अभी उनकी क्वालिफाइंग, अगर आपने जिस कोर्स आपने चुना है, जहाँ जिस कोर्स को लिए आप जाना चाहते हो, उस कोर्स के लिए लगने वाली जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर वो आप दे रहे हो, अपीयर हो, तो भी आप ये दे सकते हो एग्जामिनेशन, और आपको प्रोविजनली ये एडमिट किया जाएगा, प्रोविजनली आपको अलाउ किया जाएगा। उसी प्रकार हर एक ये 14 यूनिवर्सिटी प्लस 4 स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज होंगे, उनके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा, उनका प्रोग्राम स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बाकी का उनकी फीस स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है। तो आप वो पूरा देख लीजिएगा, आप वो प्रिकॉशन लीजिएगा, आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो कि आप उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, और फिर ही आप ये CUCET का आप फॉर्म भर ले। उसी प्रकार जैसे कि आपको बताया है कि जो रिसर्च प्रोग्राम है उसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, और जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स उनकी OMR पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगी, और आपको कुछ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस लेकर आपको काउंसलिंग भी प्रदान करेगी।
उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। तो अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उनके लिए यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए 800 रुपये और रिसर्च प्रोग्राम के लिए 1000 रुपीज फीज है। एससीएसटी के लिए यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए 350 और रिसर्च के लिए 450। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है, तो फिर उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और उन्होंने यही कहा है कि आपको ऑनलाइन फी का भुगतान करना होगा और फीस भरते समय जो भी कुछ जीएसटी और कुछ ट्रांजेक्शन के कुछ टैक्सेस है, ट्रांजेक्शन कुछ चार्जेस है, तो आपको वो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे तो आपको उस समय आप तीन यूनिवर्सिटी के लिए हर एक यूनिवर्सिटी के लिए तीन प्रोग्राम, ऐसे तीन यूनिवर्सिटी आप भर सकते हो। लेकिन अगर आप एडिशनल यूनिवर्सिटीज भरना चाहते हो तो और आप तीन यूनिवर्सिटी एडिशनल भर सकते हो और उनके हर एक यूनिवर्सिटी के लिए और तीन प्रोग्राम आप उसमें भर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल फीस भरनी होगी आपके इस ऊपर के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो चलिए मुड़ते अगले इस पर, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये 14th सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, पंजाब, उड़ीसा, केरला, कश्मीर, तमिलनाडु सहित और भी बाकी के कुछ चार जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी, उसमें भी एक राजौरी की जो जम्मू कश्मीर की, और उसके बाद बेंगलोर की एक, जोधपुर की एक, और उसी प्रकार उड़ीसा की और एक यूनिवर्सिटी उसमें शामिल है। उनके कोर्सेस कौन कौन से यूनिवर्सिटी में, आप कौन कौन से कोर्सेस हो गए, ये देखने के लिए आप उनके वेबसाइट पर चले जाइए, उनका वेब होम पेज है। सभी रिक्वायर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। आप प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पे आप उनके पूरे यूनिवर्सिटी के अनुसार आप देख सकते हो कि अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्सेस है, उनका कोड क्या होगा, और उसके हिसाब से फिर आपको देनी है एग्जामिनेशन और आपका पेपर देना। हम पहले देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे अगर क्लिक करें तो फिर ये अंडर ग्रेजुएट का कोर्स होगा। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, उनके वेबसाइट पर सभी अवेलेबल है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ कुछ स्क्रीनशॉट ही यहाँ पे लिए है, तो आपके हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आपको इंटीग्रेटेड एमसीए करना है, यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में ये ऑफर हो रहा है ये भी दिखा रहे हैं, और उसका कोड क्या होगा और पेपर फिर आपको कौन सा देना, तो इसके हिसाब से आपको पेपर देना होगा अगर बीसीए कर रहे हो आप। और अगर आप ये यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी का शॉर्ट नेम वहाँ पे दिया है, और आपको फिर पेपर वन देना होगा। उसी प्रकार पेपर टू के लिए भी, ये पेपर वन के सब्जेक्ट है, उसी प्रकार पेपर टू के ये सब्जेक्ट है, आपको वहाँ जाकर देख सकते हो आप आपका कोर्स, आपकी यूनिवर्सिटी और फिर आपका सब्जेक्ट का जो कोड है, यूनिवर्सिटी का सॉरी आपको जो सीटी देनी है और उसका पेपर का जो कोड है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसी प्रकार हम अगर पीजी कोर्सेज के लिए गए तो पीजी कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे पीजी कोर्सेज का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और आप वहाँ पर जाकर आपका कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार आप चूज कर सकते हो। प्रोग्राम कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर आपको पीजी क्यूपी का जो पेपर है, टेस्ट पेपर कोड भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट पेपर कोड के अनुसार आप जो अपने हमने टाइम टेबल देखा था उसमें आप देख सकते हो कि आपका किस दिन आपका एग्जाम आ सकता है। तो ईजी है, आप देख लीजिए आप कहाँ पे अभी एम टेक साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो, तो उसका पीजी क्यू फी 54 होगा, और उस समय आप वहाँ जाकर देख लीजिए आपका पीजी का जो पेपर है कब है। तो चलिए मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया था, डिस्क्रिप्शन में पूरी पीडीएफ का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आसान है, आप उनके वेबसाइट पर जाकर भी ढूंढ सकते हो। रिसर्च प्रोग्राम भी बहुत सारे हैं, आप क्लिक कर देख सकते हो, उनका भी उसी प्रकार के होगा। पीएचडी आप किस में आर्किटेक्चर में कर रहे हैं तो फिर आपका पेपर का कोड 01 होगा। उसी प्रकार कौन सी यूनिवर्सिटी ये ऑफर कर रही है ये भी यहाँ पे होगा। आपके हिसाब से आप कोर्स, यूनिवर्सिटी और पेपर कोड देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल आपको इजीली मैच हो जाएगा। उसके प्रकार हम अगर कोर्स ढूंढना चाहते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो रही, और आप प्रोग्राम लेवल पे यूनिवर्सिटी और फिर प्रोग्राम ढूंढना चाहते हो, वो भी उसी पेज पर अवेलेबल है। यहाँ पे ही जाइए नीचे, वहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर प्रोग्राम का लेवल चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोग्राम का तीन ही लेवल है, यूजी, पीजी और रिसर्च का। उसमें से आप देख लीजिए, जनरल यूजी कोर्सेज के लिए आपको 12वीं 12वीं या फिर 10+2 का आपको जनरल एलिजिबिलिटी होती है। पीजी कोर्सेज के लिए जनरली ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए और इक्विवेलेंट कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है, और फिर आपको एमफिल और पीएचडी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना। तो ये तीन लेवल का आप किसी भी एक आपको जो एलिजिबल आप जिसके लिए हो, जहाँ पे आप एडमिशन चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा और फिर जाइएगा। आगे जाने के बाद फिर पूरी जो उस एसोसिएटेड जो भी यूनिवर्सिटीज़ होगी वहाँ पे दिखाई देगी, आपको जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके हिसाब से यहाँ पे कोर्सेस लिस्टेड होंगे, उसमें से आपको एक कोर्स इस जो यूनिवर्सिटी आपने चुनी है इसके हिसाब से यहाँ पे कोर्स लिस्टेड होंगे। यहाँ से हमें कोर्स चुनना है, कोर्स चुनने के बाद यहाँ पे पूरा देगा कि एम टेक साइबर सिक्योरिटी उसका प्रोग्राम कोड कितना होगा। यहाँ पे क्लिक किया तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पे दिखाई देगा कि एलिजिबिलिटी ये है। उसके बाद हम यहाँ पे
आपको यूनिवर्सिटी का पेपर का टेस्ट का कोड भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल वहाँ पे उन्होंने सिलेबस और मॉडल टेस्ट पेपर भी दिया है, लेकिन ये अभी फिलहाल ये लिंक काम नहीं कर रहे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जब तक ऑनलाइन हो जाए तब तक ये सिलेबस भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, और मॉडल टेस्ट पेपर तो बाहर बाहर उन्होंने लिंक दी है सेपरेट, लेकिन सिलेबस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाए तो अच्छी बात होगी। चलिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप यूजी और पीजी कोर्सेज की बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में जनरल लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल और एप्टी का स्किल बेसिस पे आपके क्वेश्चन होगी, जो 25 एमसीक्यूज उसमें होंगे। और पार्ट बी की बात करें तो फिर आपकी जो डोमेन नॉलेज, आपके फील्ड के नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा, 75 एमसीक्यूज वहाँ पे होगी। और आपको हो सकता है कि 3, 4 या फिर 5 सेक्शन भी उसमें होगी आपके कोर्स के हिसाब से, और आपको किसी उसमें से आपको कोई भी 3 सेक्शन आपको उसमें से देने होंगे। और आप इसके हिसाब से दीजिए कि आप जो अगर आगे आपको वो भी मिल जाएगा, अगर आपने सभी क्वेश्चन अगर सॉल्व किए, सभी सेक्शन अगर आपने सॉल्व किए, तो फिर जो भी बेस्ट आपका होगा उसके मार्क्स कंसिडर कर दिए जाएंगे मेरिट के लिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने दे दिया है कि अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो पार्ट बी का, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पेपर वन का, तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ऐसे होंगे सेक्शन। आपने जो पढ़ा है 10+2 12वीं में पीसीएम या पीसीबी, उसके हिसाब से आपको वो सेक्शन आपको देना होगा। कोई ऐसे भी है जैसे कि एमबीए, एलएलबी, एमसीक्यू, कोई ऐसे भी सीईटीज होंगी जहाँ पे आपको कंबाइंड 100 एमसीक्यूज का पेपर दिया जाएगा, उसमें आप इंग्लिश और बाकी के जो रीजनिंग और बाकी के जो उनके जो आवश्यक है वो सेक्शन वहाँ पे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो पेपर भी मिले। तो दूसरी बात यह है कि आपको आपके ओएमआर में आपको मार्क्स आंसर जो बबल करोगे, आप आंसर दोगे तो एक आंसर एक क्वेश्चन के लिए आप अगर मल्टीपल आप ऑप्शन देते हो तो फिर उसे गलत आंसर मान दिया जाए अगर उसके नेगेटिव मार्किंग है। यूजी के लिए नेगेटिव मार्किंग है, तो जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सिस्टम्स होगी, आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए एक मार्क्स मिलेगा और 0.25 मार्क्स आपके हर एक गलत आंसर के लिए काट दिए जाएंगे। जो भी आप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार जैसे हमने बात की पहले कि अगर समझो किसी टेस्ट पेपर में एक्स नंबर ऑफ सेक्शन है और आप अगर आपको ज़रूरत है कि वाई नंबर ऑफ सेक्शन आपने छोड़ दिए चाहिए, लेकिन एप्लीकेंट ने सभी एक्स सेक्शन अगर उन्होंने दे दिया तो फिर बेस्ट ऑफ एक्स उसमें से जितने भी आप सेक्शन छोड़ दोगे उसमें से जो बेस्ट ऑफ होंगे वो आपके कंसिडर किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। अगर कोई नियम चेंज होता है तो आपको वो उनकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से बता दिया जाएगा। 2 घंटे का ये एग्जामिनेशन होगा। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि पीएचडी, एमफिल और पीएचडी कोर्सेज के लिए, रिसर्च प्रोग्राम के लिए भी 2 पार्ट का एग्जामिनेशन होगा। पार्ट वन में आपको आपका जनरली रिसर्च मेथोडोलॉजी के और रिसर्च के रिलेटेड आपका नॉलेज उसमें टेस्ट किया जाएगा। 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें, जनरली जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज, मैथमेटिकल वही एप्टी होगी। और दूसरी बात ये होगी आपका डोमेन के रिलेटेड आपका नॉलेज भी टेस्ट किया जाएगा, उसमें भी 50 एमसीक्यूज होगी। 2 पार्ट में आपका भी एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन का पेपर होगा, ऑनलाइन तरीके से होगा। आपको हर एक मार्क्स को आपके उसके सामने जो दिया हुआ बबल उस पर टिक कर आपको ये एग्जामिनेशन देनी है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप इसमें नहीं होगा। उसमें भी ऐसा ही, अगर आपको रिक्वायर्ड जो आपके सेक्शन होंगे उससे ज़्यादा आपने सेक्शन अगर सॉल्व कर दिए तो फिर उसमें जो बेस्ट होगा उसमें से सेक्शन उसको आपको मेरिट की लिस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। और आपको भी 2 घंटे का एग्जामिनेशन देना होगा। यहाँ कुछ मैं बातें ऐड करना चाहता हूँ कि रिसर्च के लिए या फिर पीजी कोर्सेज के लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज इस सीईटी को भी वेटेज दे रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको इस सीईटी के 70% उसको वेटेज दे रहे हैं, बाकी के कुछ चीज़ों को भी 30% वेटेज देकर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उस यूनिवर्सिटी पर डिपेंड्स होगा कि सीईटी को कितना वेटेज है और बाकी की चीज़ों को कितना वेटेज है। उसी प्रकार हो सकता है कि आपको इस सीईटी का, अगर आप पीएचडी के लिए चले जा रहे हो तो फिर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी कुछ वेटेज हो, बाकी के चीज़ों के लिए कुछ वेटेज हो, तो आप उस यूनिवर्सिटी के वहाँ पे भी उनका भी नियमावली देख लीजिए कि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया है। तो दूसरी बात है कि चलिए देखेंगे कि टेस्ट सेंटर्स कौन कौन से होंगे इस टेस्ट के लिए। तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सेंटर पे चले जाओगे, सेंटर की पूरी लिस्ट है, पूरे स्टेट वाइज आपको वहाँ पे देखने के मिलेंगे। आप वहाँ पर पहले तसल्ली से देख सकते हो कि हमें कौन सा नियरेस्ट आपको होगा आपका सेंटर। उसके बाद है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर, वहाँ के जहाँ पे हमने सर्च किया था कोर्स वहाँ पे भी सैंपल पेपर का लिंक था, लेकिन वो अभी एक्टिवेट नहीं था, काम नहीं कर रहा था।
आशा करता है कि वो काम बहुत ही जल्द करेगा, और जब तक ये वीडियो मैं ऑनलाइन डालू वहाँ तक तब तक वो काम करना चाहिए। सिंपल सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सिंपल सी बात है, यहाँ से क्लिक कर कर भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जाइएगा, यहाँ पे भी उन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पीजी और रिसर्च के तीनों के भी सेक्शन वहाँ पे दिए, जो कि जैसे कि हमने देखा अंडर ग्रेजुएट के जो दो भागों में बांटा है उन्होंने कोर्सेज को, उसमें दोनों पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। पीजी के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे है, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका जो सब्जेक्ट कोड होगा उसके हिसाब से आप यहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, आपका कोड है और उसका हिसाब से आप उस पेपर को, टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्वेश्चन पेपर का आपको जान सकते हो, आपको देख सकते हैं कि कौन से लेवल के क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। और फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें जाते जाते बात करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि कुछ यूनिवर्सिटी अतिरिक्त शुल्क लेके ऑनलाइन काउंसलिंग उपलब्ध करा देती है, आपको रिसर्च प्रोग्राम की एग्जाम ऑनलाइन तो बाकी की प्रोग्राम की एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगी। और प्रवेश पात्रता, जैसे कि हमने एलिजिबिलिटी के बारे में भी कहा, यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग हो सकती है, आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए, पहले आप कन्फर्म कर दीजिएगा आप फुल्ली एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, फिर उसे सेलेक्ट आप कीजिएगा। रिसर्च प्रोग्राम की सीट्स में कमी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अनुसार उनके कितने गाइड्स है, उनके पास कितने अभी फिलहाल उनकी वैकेंसीज है उनके पास, और उनके आगे पीछे हो सकता है, उनके अप्रूवल का भी होता है कुछ, तो उसके अनुसार रिसर्च में आपकी सीट्स कम ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार जैसे कि हमने देखा कि आप डिफॉल्ट एप्लीकेशन भरते समय तीन यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए तीन प्रोग्राम आप डाल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहें तो और तीन यूनिवर्सिटी आप उसमें ऐड कर सकते हो, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए तीन प्रोग्राम, मतलब ऐसे आप ऐड करते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन फी भरनी होगी। हर एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस अलग अलग होगी, एएस एग्जामिनेशन होने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस अलग अलग ऑनलाइन होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऑफलाइन होगा, तो आपको उनके संपर्क में रहकर जानना होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो उसका एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, और उसी प्रकार से आपको ऐड करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस यही रोकते हैं, अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिए मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस सवालों के जवाब देने की। और जाते जाते मैं आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सपोर्ट्स की मुझे जरूरत है।